नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें आज लोग जुडिशी की बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर नंबर 17। तो जल्दी से सभी जन अपने अपने बैरेक्ट ओपन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 17, उसको एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, देन अपन उसको समझेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन से मैटर में आपको मिनिमम 2% चाहिए, कि इसमें 3 चाहिए, कि इसमें 5 चाहिए, कि इसमें 10 चाहिए, उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो चैप्टर 17 कहता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हिंदी वाले लिखेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कभी भी आप सेक्शन नंबर 75 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 75, तो वहां बोलते हैं एनहेंस पनिशमेंट। और वो एनहेंस पनिशमेंट कब दी जाती है, जब चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में आप पहले से पनिशेबल हो चुके हो और फिर दोबारा वो ऑफेंस करते हो तो आपको क्या मिलती है, एनहेंस पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ा काम का है। कहाँ से कहाँ तक है, 378 से लेकर 462 तक, लिखना शुरू करेंगे सभी जने। सबसे पहले आता है हमारे पास थेफ्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करते हैं, सेक्शन नंबर 378 से 382। चोरी करने के लिए आप सामने वाले को डराते हो, तो जब डराते हो उसको एक वर्ड बोलते हैं एक्सटोर्शन करना, यानी हिंदी में बोलते उद्दापन करना। जो बात करता है सेक्शन नंबर 383 से 389 तक। जब कभी भी आपका ये थेफ्ट और आपका ये एक्सटोर्शन, जब कभी भी आपका थेफ्ट और एक्सटोर्शन में आप तीन चीजें ऐड कर देते हो, तीन चीजें कौन सी ऐड कर देते हो, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट कन्फाइन रेस्ट्रेंट। हिंदी में आप तत्काल उसकी मृत्यु, तत्काल उसकी उपहति और तत्काल उसका अवरोध करते हो, तो आपका ये थेफ्ट या आपका ये एक्सटोर्शन आगे जाके क्या बन जाता है, रॉबरी बन जाता है। तो यहां पे आ जाएगा आपकी रॉबरी, आप लूट बन जाएगी। कहां से कहां तक बन जाएगी, फिर लूट के साथ ही एक और चीज हो जाती है, वो है डकैती, क्योंकि लूट का एक्सटेंट क्या है आपकी, डकैती है। कहां से कहां तक बनेगी, 390 से लेकर 402 तक। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले कौन आया, थेफ्ट, थेफ्ट से आपने डराया, एक्सटोर्शन, और दोनों को ग्रेवियस किया तो बन गई आपकी रॉबरी एंड डकैती। अब सवाल आपके यहाँ पे आता है कि थेफ्ट के लिए आपके पास कितने पर्सन चाहिए। मैं तीनों से रिलेटेड आपको एक सवाल पूछ रही हूँ, चार सवाल पूछूंगी, ऑप्शन चारों के सेम होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थेफ्ट में कितने पर्सन चाहिए, क्वेश्चन भी लिखते जाओ आप लोग। ए एक यानी 1, बी 2, सी 3 और डी 4। थेफ्ट में कितने पर्सन, क्योंकि कई बार जब आपसे कोई चीज़ है ना कंटिन्यूटी में स्पीडी में पूछा जाता है तो आपके मुंह से गलत निकल जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन थेफ्ट में कितने पर्सन चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, एक्सटोर्शन में कितने पर्सन चाहिए। ए मिनिमम 1, बी मिनिमम 2, सी मिनिमम 3, डी मिनिमम 5। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, रॉबरी में कितने पर्सन चाहिए, लूट में कितने पर्सन चाहिए। नंबर ए मिनिमम 5, नंबर बी मिनिमम 10, नंबर सी मिनिमम 11, नंबर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, डकैती में कितने पर्सन चाहिए, नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 10, नंबर डी नॉट रिक्वायर्ड। ये चार क्वेश्चन आपके पास है, ये चार क्वेश्चन आपके पास है, इनके आंसर आपको बताने हैं। जो चैट बॉक्स वाले वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग एक लाइव क्लास की हो रही है, जहाँ पे ऑफलाइन क्लास के बच्चे भी बैठे हैं और ऑनलाइन के भी बैठे हैं, और साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइव चल रहा है, तो ऑनलाइन वाले आप लोग दीजिए और ऑफलाइन वाले आप वैसे अपने हाथ से सारा करेंगे। कैसे करोगे, सवाल भी तो चार है, गड़बड़ोगे ना। कोई नहीं, आप अपने आंसर लिखो फिर बताना किसके कितने सही हुए।
ठीक है, जहां तक मुझे उम्मीद है आप सबके चारों सही होने चाहिए। करें स्टार्ट। थेफ्ट में कितने चाहिए, एक्सटॉर्शन में कितने चाहिए, रॉबरी में कितने चाहिए? ऑप्शन ही नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द वो, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं ना। और डेकोरेटिव में कितने चाहिए? आप ऐसे ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके चारों सही हुए? पूरा ऐसे लंबे हाथ खड़े करो। वेरी गुड महेंद्र, क्यों कौन सा गलत कर दिया बेटा? ओके क्यों, जब थर्ड में लूट में कितने परसेंट चाहिए मिनिमम? क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया मिनिमम, अगर ये वर्ड यूज नहीं करती तो तुम कुछ भी लिख सकते थे, या मिनिमम लिख दिया तो इसका तो नन ऑफ द अबव है, इसका आंसर सही बैठे नहीं रहा है, तो फिर क्यों गलत किया? बाकी पांचों से चारों सही है ना, चैट बॉक्स वालों के सबके सही हुए। चलो चैट बॉक्स में वो बच्चा हाथ खड़े करो जिसके सारे सही नहीं हुए, चैट बॉक्स में वो बच्चा हाथ खड़े करो ऑनलाइन में जिसके चारों सही नहीं हुए, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, अच्छा गीतिका के चारों सही नहीं, गीतिका कौन सा गलत हुआ बेटा? गीतिका कौन सा गलत हुआ? रॉबरी वाला। रिया तुम्हारे कौन सा गलत हुआ? अरे बेटा इस क्वेश्चन को समझो, कभी कभी नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो इंटरव्यू में क्या होता है, जब आपसे फटाफट फटाफट पूछते हैं ना, तो आपके मुंह से गलत निकल जाता है। इस गलत को ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप में से हमारे कई इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो करते ही नहीं है, नहीं करते ना पदम? क्या अभी तो तूने कहा बदमाशियां करता हूं मैडम मैं तो। चलो आगे चले, तो पहला थेफ्ट 378 से 382, दूसरा एक्सटॉर्शन 383 से 389, और फिर रॉबरी। कितना परसेंट चाहिए? 1। कितना चाहिए? 1। कितना चाहिए? 1। और डेकोरेटिव में 5, ठीक है? चले अब ये तो हो गई तीनों खत्म, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ये यहाँ पे हो जाता खत्म। और इन चार इनमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू सब कुछ आता है, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। अब देखिए मैं आप रास्ते से जा रहे थे, वहाँ आपको नोटों का भरा हुआ बैग मिला, आपने इधर देखा उधर देखा, कोई आप चल दिए बैग लेकर, आपने कौन सा ऑफेंस किया? कौन सा ऑफेंस किया? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। चोरी तब होती बेटा जब वो बैग किसी के पजेशन हो, अगर सड़क पे कोई चीज़ बनी है तो पड़ी है तो कोई चोरी नहीं है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, हिंदी वाले आपराधिक दुर्विनियोग, सेक्शन नंबर, यस वेरी गुड, 403 से 404। तो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले प्री का सवाल क्या है, ये ऑफेंस अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध होता है, ठीक है? और ये थेफ्ट, ये भी प्री का सवाल है, ये भी सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए था तो आपके गलत हो जाता, भूल गई मैं भी। चलो फिर आप क्या आता है, मैं अमेरिका घूमने गई उससे पहले अपना सामान आपको देके गई कि जब मैं वापस आऊंगी तो आप मुझे दे देना, ठीक है? एक महीने बाद मैं वापस आती हूँ और मैं कहती हूँ मेरा सामान, आप बोलता कौन सा सामान, कैसा सामान, हमारे पास कोई सामान नहीं है। आपने क्या किया मेरे साथ? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो क्या कहेंगे? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया आपने, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कहां से कहां तक किया? 405 से 409, ठीक है? अब एक फेमस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो मैंने इतना सारी चीजें पढ़ा दी ना, इसका अगला टॉपिक आता है आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर उसका आंसर देना, क्योंकि ये एमपी जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, हिंदी वाले चुराई हुई संपत्ति नहीं है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, चुराई हुई संपत्ति नहीं है? नंबर ए थेफ्ट से प्राप्त की गई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट लिख देती हूँ ना, प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट, चोरी से प्राप्त की संपत्ति, ठीक है? नंबर बी प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय रॉबरी, ठीक है? नंबर तीन सी प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय चीटिंग, इसको बोलते हैं छल, और नंबर डी
प्रॉपर्टी ऑप्टेन बाई एक्सटोर्शन, इसको बोलते हैं उद्यापन। अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखो। इस बार तो तुम अपने अपने आंसर बता सकती हो मेरे को इशारों से। यस यस कृतिका, ओके ओके वन, ओके ओके आशी, विक्रम, ओके ओके। चैट बॉक्स वाले अपने लिखो, कुछ बच्चों के सही हुए तो कुछ के गलत भी हुए। चलो जो प्रॉपर्टी आप ऑप्टेन करते हो चीटिंग से वो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। तो स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? पांच तरीके से। कौन कौन सी? पांच नहीं, छह तरीके से। कौन कौन सी छह? बाय थेफ्ट, बाय एक्सटोर्शन, बाय रॉबरी, बाय क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट और डेकोइटी। यानी अब तक जो पढ़ के आए ना, ये सारी प्रॉपर्टी आगे जाके स्टोलन प्रॉपर्टी बन रही है। आप सोचो कानून को कितना सुंदर तरीके से ड्राफ्ट किया है। एक में से दूसरा निकला, चोरी आई एक्सटोर्शन, उससे हमारी लूट और रॉबरी बनी, फिर रस्ते से गए, रस्ते में से सामान उठाया और फिर लोगों ने दिया उसको भूल गए। और ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसको बोलते हैं स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो नंबर सिक्स कहता है आपका स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति, सेक्शन नंबर 410 से 414। ठीक है, फिर आता है आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी। लेने के बाद आपने क्या किया? सामने वाले के साथ चीटिंग की आपने। तो चलती है चीटिंग करते हैं। कहां से कहां तक की चीटिंग आपने? तो नंबर सेवन कहता है चीटिंग 415 से। अक्सर आप लोग कहते हो कि मेरे साथ 420 हुआ, कहते ना, तो 420 तभी होता है जब प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। बाकी क्या माइंड की भी चीटिंग होती है? क्या बॉडी की भी चीटिंग होती है? होती है ना। हम आपके कौन मूवी तब जगाना था, माइन माइन मुंडे रप तेरे, याद आया? हमारे बच्चों को मूवी याद नहीं रहती है क्योंकि सवाल पूछ ले तो। सलमान खान ने चीटिंग की, तब उसने कहा चीटिंग नहीं, नहीं चीटिंग भी, बोला क्या हुआ? तो मैनर बताना पड़ता है। तो सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 213 कहता है कि भैया जब ऑफेंस कमिट होता तो मैनर भी बताइए। याद आया? जाके देखना 213 का इलस्ट्रेशन लिखा हुआ चीटिंग वाला। ठीक है, तो ये वो चीटिंग। तो चीटिंग माइंड की हो सकती है, बॉडी की हो सकती है, रेपुटेशन की हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो जब आप जो 420 बोलते हैं ना, वो बेची हुई संपत्ति को बेचना है, उसके अलावा जितनी भी चीटिंग है वो आती है। अच्छा, कॉलेज में आप नकल करते पकड़े गए, क्या ये चीटिंग काम आएगी? क्यों? उसका अपना कानून बना हुआ है, वो चीटिंग अलग होती है। उसका अपना कानून है जो कि राजस्थान के एपीयू के एग्जाम में आता है, वो एक्ट राजस्थान के एपीयू के एग्जाम में आता है। चीटिंग हो गई, अब आपने क्या किया? कूट कर कपट कर दस्तावेज बना दिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट डीड। 421 से 424 तक आपने क्या किया? कूट कर दस्तावेज बना दिए। वो बनाने के बाद आपने क्या किया? लोगों के घरों में आग लगा दी, यानी आपने मिस्चीफ कर दिया। मिस्चीफ को पता क्या बोलते हैं? रिष्टि। और ये रिष्टि बड़ी खराब है, पूछो क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स में एक इंटरप्रिटेशन आता है राजस्थान वालों के, और इंटरप्रिटेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक मिस्चीफ रूल आता है जो कभी भेजे में ही नहीं जाता है। तो ऐसे तो ये मिस्चीफ अच्छा लगता है बेचारा, लेकिन जैसे वो वहां चला जाता है तो ये सारा गड़बड़ कर देता है। कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 425 से 400। मिस्चीफ का क्या मतलब होता है? किसी की प्रॉपर्टी को वैल्यूहीन कर देना। जैसे ये मनोज का मोबाइल है, मैंने लेके दीवार पे फेंक दिया, मुझे कोई फायदा हुआ नहीं, बट हमने क्या किया? इस मोबाइल को तोड़ के इसको वैल्यूलेस कर दिया। इसको बोलते हैं मिस्चीफ। जैसे आपका बर्फ का घर है, मैंने इसमें पानी छोड़ दिया या आग छोड़ दी, पूरा गल गया, तो ये मिस्चीफ। इसमें जो मिस्चीफ कर रहा है ना, उसको बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मिस्चीफ का? ऑलवेज प्रॉपर्टी के वैल्यू को वैल्यूलेस कर देना, उसके मूल्य में हानि कर देना। और ये सब करके आप भाग गए, किसी के घर में घुस गए, तो क्या क्या आपने? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नहीं ट्रेसपास, सॉरी इसको क्या आपने? ट्रेसपास। इसमें क्रिमिनल ट्रेसपास किया। केवल ट्रेसपास वर्ड आता है हिंदी में, लिखते बेटा आपराधिक अतिचार। आप केवल ट्रेसपास करते ना तो टॉट यानी सिविल नेचर में चले जाओगे, लेकिन जब आप क्रिमिनल वर्ड लग जाता तो आईपीसी आ जाती है। कहां से कहां तक किया आपने? 441 से 462।
और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कितना अच्छा चैप्टर है ना, इंटरेस्टिंग है, खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं प्री के, मेन के और इंटरव्यू के, पर इसको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ने जैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग हो जाएगी तो जो मेन आपके क्वेश्चन है वो भी आपके खराब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कई बार जजमेंट राइटिंग के लिए हमें कुछ सेक्शन ढंग से पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जजमेंट राइटिंग में तो कोई भी सेक्शन लग सकता है, वहाँ तो आपको नहीं पता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। लेकिन प्री प्लस मेन की बात करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो फिर सबको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, पहला क्या है, कहाँ से कहाँ तक, दूसरा क्या है, कहाँ से कहाँ तक, तीसरा क्या है, कहाँ से कहाँ तक, मेरी अकेली की आवाज़ आप सबकी आवाज़ से तेज है, चौथा क्या है, कहाँ से कहाँ तक, पांचवा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, छठा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, सातवा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, आठवा क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, नौवां क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, और दसवां क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि सीआरपीसी में इस स्टोलन प्रॉपर्टी के ऊपर एक इंडिविजुअल सेक्शन बना हुआ है, और वो कहता है कि जहाँ कभी स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसके लिए तलाशी वारंट, सर्च वारंट जारी किया जाता है, और वो सर्च वारंट डीएम जारी करता है, एसडीएम जारी करता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करता है, और सर्च करने के लिए जाता है कांस्टेबल की रैंक से ऊपर का, यानी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए। ये सारी बातें सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, ऑप्शन दो। चलो आशी को हम ऑप्शन देते हैं, सेक्शन नंबर 94, सेक्शन नंबर 95, सेक्शन नंबर 96, सेक्शन नंबर 93 है तलाशी वारंट जारी करना, कौन जारी करेगा, और 94 में तीन बातें लिखी हुई है, स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स, तो ये वहाँ चला जाता है, इसलिए पूछ। बाकी के लिए तो ऐसा कोई अपने पास कोई सेक्शन नहीं बना हुआ अलग से, बट इसके लिए अलग से सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया। तो जल्दी से मिश्रिव के साथ ऑब्लिक करके लिखो सीआरपीसी, जल्दी से लिखो 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 सीआरपीसी सेक्शन नंबर 94। तो ये कोरिलेट इसलिए करवाते हैं अपन ताकि चीज़ें दोनों साथ साथ याद हो जाए, है बेटा, स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ, चुराई हुई संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ, मैंने स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ ही लिखा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना होता है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये लाइव क्लास की थी, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेस हमारे जो है 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास को लेके कोई भी आपकी क्वारी है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।